महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर करीब एक घंटे बाद सेशन कोर्ट से फैसला आएगा। दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी, राजद्रोह की धारा भी लगी है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा के घर हनुमान चालीसा का पाठ, युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। नवनीत राणा के वकील ने बायकला जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा है कि अगर बीमार नवनीत को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वो होंगे। चिट्ठी में नवनीत को गर्दन में दर्द की शिकायत की गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम, कहा सभी धार्मिक स्थलों से हटाए जाएं लाउडस्पीकर, 4 मई के बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे, 3 मई को ईद का त्योहार नहीं बिगाड़ना चाहता। दुप्पट आवाज आले तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलेच पाहिजे। राज ठाकरे की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल आज पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में राज ठाकरे के धमकी वाले बयान पर भी होगी चर्चा। समाज में ऐसा खींचातानी तैयार करने के लिए उन्होंने जो कल वक्तव्य किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसका रिपोर्ट आने के बाद ही हम निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर हमला बोला, कहा ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं, अस्तित्व बचाने के लिए बार बार झंडा बदलने का ड्रामा कर रहे हैं। औरंगाबाद के AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील का बड़ा आरोप, कहा राज ठाकरे को आगे बढ़ाकर शिवसेना को कमजोर करना चाहते हैं शरद पवार। कहीं ना कहीं NCP चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमजोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया के घर पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया बेटियों की पिटाई से मौत का आरोप। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया, थानाध्यक्ष सस्पेंड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच होने दीजिए, जो सामने आएगा उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे, चंदौली के गैंगस्टर कन्हैया की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। जिस लड़की निशा की संदिग्ध मौत हुई है उसकी बहन गुंजा का दावा है कि पुलिस वालों ने उसकी बहन को पीटा जिसमें उसकी मौत हो गई। चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं, फिर दी की आवाज बंद हो गई। मृतक के पिता कन्हैया यादव का आरोप, पुलिस ने मेरी बेटी की जान ले ली, ये कह रहा है परिवार, मेरी बेटी अब वापस घर में। वो दो लड़कियां थी, एक मार दी वहीं पर, इस पर खत्म हो गई। एक छोटा ही बड़ी पर, दो ही थी, दो ही लड़कियां थी। परिवार की मांग यही हम लोग की है कि हम लोग के साथ, हमारे बेटी के साथ इंसाफ मिले। चंदौली की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नेता श्वेता सिंह की मौत पर परिवार का बड़ा आरोप, श्वेता सिंह के भाई ने कहा दीपक सिंह की गलत हरकतों से परेशान थी बहन, सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो क्लिप भी दिए। उस ऑडियो को सुनिए, उससे आप सभी को पता चलेगा दीपक सिंह गौर का चरित्र कैसा था। उत्तर
उन्नाव में लड़की की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी, पुलिस ने आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी, संदीप के इनकार करने के बाद खुदकुशी की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों पर गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज, बदनापुर क्षेत्र का यह मामला है। रायबरेली में एक युवती ने बदनामी के डर से की आत्महत्या, प्रेमी ने फेसबुक पर डाला पर्सनल चैट, इसी से आहत होकर युवती ने मौत को गले लगाया। राजधानी लखनऊ में पुरानी रंजिश पे मारी गई गोली, हाशिमाऊ गांव के प्रधान राजकुमार यादव के भाई को मारी गई गोली, गोली मारकर बदमाश कार लेकर फरार। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में जा गिरी, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में बदमाशों ने घर में घुसकर एक 77 साल के कारोबारी की हत्या कर दी, घर से कैश लूटकर फरार, जांच में जुटी है पुलिस। रतलाम में दर्दनाक बस हादसा हुआ, हाईवे पर बस पलटने से 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई, 40 से ज्यादा यात्री घायल। अराउंड 40 से ज्यादा हॉस्पिटल। बापू का अपमान करने वाले कालीचरण ने फिर से बोले जहरीले बोल, अलीगढ़ में सनातन सम्मेलन में कालीचरण ने समाज को बांटने वाले बयान दिए, कालीचरण ने लोगों से धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील की। कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है, उसको आप मतदान करोगे तो बाकी के नेताओं की तो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला, 3 हमलावर पकड़कर पुलिस को सौंपे गए, हमलावरों को छुड़ाने के लिए लाठी डंडों से लैस भीड़ ने थाने पर हमला बोला था, 3 आरोपियों को छुड़ाया गया, 10 लोग गिरफ्तार। वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराने के लिए विरोध किया है, कोर्ट ने 6 और 7 मई को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण से इनकार पर बीजेपी का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले ये देश फतवे से नहीं संविधान से चलेगा, अदालतों के फैसले का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। ये देश मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चलेगा, उनके निर्णयों से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी है, अब तक करीब 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए, 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज कम की गई। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में शमीम नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार, हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था शमीम, अब तक कुल 5 गिरफ्तार। दिल्ली के सरोजनी नगर से झुग्गियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ABP News आपको रखे आगे।